हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश में रोडवेज यूनियन द्वारा 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जिसमें वह लोगों से हस्ताक्षर करवाकर सरकार से अपील करवा रही हैं कि रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे यात्रियों को फायदा हो सके। अम्बाला छावनी के बस अड्डे पर भी आज यूनियन के नेताओं द्वारा इस अभियान के तहत लोगों से हस्ताक्षर करवाए गए, ताकि सरकारी बसों को बढ़ाया जा सके और प्राइवेट बसों की बढ़ती मनमानी रोकी जा सके, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द प्रदेश में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की। मैं गांव महमूदपुर से आता हूं, हमें आने में बहुत दिक्कत होती है। जो प्राइवेट बसों वाले हैं वो ना तो हमें चढ़ाते हैं और ना उनकी दादागिरी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए हम भी सरकार से निवेदन करते हैं, हमारे लिए नई बसें चलाई जाए सरकारी, जिससे हमें भी आने में कॉलेज आने में बहुत सुविधा मिले। धन्यवाद। सरकारी बसों में जो होता है उसमें पास चलाया जाता है, उसकी सुविधा ज्यादा होती है, रोज पैसे नहीं देने पड़ते, इसलिए हमें सरकारी बसें चाहिए। वहीं यूनियन के नेता ने बताया कि आज से 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें लोगों के हस्ताक्षर करवाकर जीएम रोडवेज के मार्फत सरकार को ये अपील भेजी जाएगी कि सरकार हरियाणा रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसों की तादाद को बढ़ाए, जिससे सरकार की आमदनी बढ़ सके और लोगों को ज्यादा सुविधा मिल सके। वीर सिंह, सदस्य मोर्चा हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा। आज साझा मोर्चा के बैनर के नीचे पूरे प्रदेश के सभी डिपुओं में हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि प्रदेश की सरकार अखबारों के माध्यम से लगातार मीडिया के माध्यम से रोडवेज बेड़े में 1000 बसें शामिल करने के बार बार घोषणा कर रही है, लेकिन धरातल पर जो बसें आज चल रही हैं उनको बसें भी लगभग एक्सटेंशन और आयु अपनी पूरी कर चुकी हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जनता हित में प्रदेश के अंदर जनसंख्या के अनुसार आज कम से कम 14,000 नई बसों को शामिल किया जा सके, जिससे सरकार यह आए दिन ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो सूक्ष्म किया जा सके। गांव के अंदर से मजदूर कर्मचारी व्यापारी छात्र छात्राएं आने जाने बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही है, जनता हित में सरकारी बसों को खरीदा जाए, और साथ के साथ अगर सरकारी बसें खरीदी जाती हैं तो एक सरकारी बस लगभग 70,000 रुपये हरियाणा सरकार के राजस्व को भरती है, और प्राइवेट की जो बस है वो लगभग 14,000 रुपये सरकार के राजस्व में देती है। आज लोगों का बहुत ज़्यादा उत्साह है, प्रत्येक छात्र है चाहे व्यापारी है चाहे व्यापारी है वो सब ये कहता है कि हमें सरकारी बस चाहिए, क्योंकि सरकारी बस सुरक्षित और सस्ती है। गौर हो कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में लगातार बसों की संख्या कम होने के चलते लोगों को बेहद ही परेशानियां हो रही हैं, जिसके चलते हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी लगातार सरकार से रोडवेज को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी संघ द्वारा शुरू किए गए इस हस्ताक्षर अभियान के बाद सरकार द्वारा इनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।